नीलेश जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया आज समय निकालने के लिए। एक तो नई सरकार बन रही है, आप कमोडिटीज़ और एग्री को लेकर किस तरह के रिफॉर्म्स की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, क्योंकि बाजार को लगता है कि एग्री एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक सब्जेक्ट रहने वाला है। रूरल इंडिया, फार्मर वेलफेयर और जिस तरह की मिशंस यहाँ पर स्टार्ट की गई हैं, कैसे देखते हैं आप यहाँ पर इम्पोर्टेंस आती हुई? एक हमें ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे हमारी ग्रोथ और एक्सेलरेट हो, इंक्लूसिव हो और साथ साथ एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्रीकल्चर में देखें तो नेदरलैंड जैसा एक छोटा सा देश बहुत बड़ा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करता है बाय फोकसिंग अपॉन हॉर्टिकल्चर एंड स्टफ लाइक दैट। कैसे हम वो सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जैसे पाम ऑयल है, ड्राई फ्रूट्स है, फ्रूट्स है, जिसे हम इंपोर्ट करते हैं, वो हम इंडिया में ग्रो कर पाए। दूसरा, जो हम ग्रो कर रहे हैं उसे किस तरह से मैनेज करें, कोल्ड स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप करके। तीसरा, उनकी प्राइस डिस्कवरी के लिए कैसे हम मार्केट मैकेनिज्म करें ताकि इंटरमीडियरीज फायदा नहीं उठाए। एंड फाइनली, कैसे हम एक्सपोर्ट हाउस बने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में। फॉर एग्जाम्पल, क्या हम सऊदी अरेबिया से फूड फॉर ऑयल प्रोग्राम कर सकते हैं? आप हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करिए, आपकी फूड सिक्योरिटी सिक्योर होगी, और आप हमें ऑयल दीजिए ताकि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी सिक्योर हो। तो इस प्रकार के कदम उठाने पड़ेंगे ताकि हमारी ग्रोथ एक्सेलरेटेड हो, इंक्लूसिव हो और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो।